आज मैं निंजा असासिन नामक एक नव नोअर मार्शल आर्ट फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत एक पुराने अनुभवी व्यक्ति के टैटू की दुकान से होती है। वो एक युवा गैंगस्टर पर काम कर रहा है जब एक मिनियन काली रेत से भरा एक लिफाफा लाता है। गैंगस्टर इसका मतलब नहीं जानते लेकिन बूढ़ा सदमे में जम जाता है। वो बताता है कि काली रेत दुनिया में क्रूर सबसे घातक निंजाओं के आगमन को दर्शाती है। उन्होंने बहुत पहले उनका सामना किया था और उन्हें यह जानने का प्रत्यक्ष अनुभव है कि वे कितने खतरनाक हैं। जब गैंगस्टर उसे काया कहते हैं तो वो उन्हें अपने सीने पर एक बुरा निशान दिखाता है जो एक निंजा हमले के कारण हुआ था। उनका जन्म उनके सीने के दाहिनी ओर दिल के साथ हुआ था। यही एकमात्र कारण है कि वे आज तक जीवित हैं। अचानक एक आदमी का सिर आधा काट दिया जाता है, हर जगह खून बिखरा हुआ है। फिर छत से एक तार गिरता है और एक आदमी को ऊपर की ओर खींचता है। जब उसे वापस फेंका जाता है तो उसके पेट के केवल टुकड़े ही जमीन पर पहुंचते हैं। निंजा छाया में छिपे रहते हैं और लोगों के शरीर और अंगों को एक ही बार में काट देते हैं, जिससे रक्तपात होता है। सभी के मरने के बाद ही क्या हम कमरे के अंधेरे कोनों से निंजाओं को बाहर निकलते हुए देखते हैं। फिर हमारा परिचय जापान के ओजुनु कबीले से होता है। यह निर्दयी भगवान ओजुनु के नेतृत्व में निंजाओं का एक कबीला है। कबीले दुनिया भर से बच्चों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें अंतिम निंजा हथियारे बनने के लिए क्रूर प्रशिक्षण की एक श्रृंखला से गुजरते हैं। वे दुनिया के नेताओं के बीच लोकप्रिय हैं लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों से छिपे हुए हैं। जो कोई भी कबीले को 100 पाउंड सोना प्रदान करता है वो अपने हथियारों को काम पर रख सकता है और उस व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित कर सकता है जिसे वे लक्षित करना चाहते हैं। ओजुनु कबीला 100 से अधिक वर्षों से छाया से काम कर रहा है और रूसी राष्ट्रपति, जापानी प्रधानमंत्री और कई अन्य उच्च हस्तियों की मृत्यु के पीछे है। जो कोई भी उनके बारे में जानता है वो कभी भी उनसे मिलने से डरता है। एक सत्र में लॉर्ड ओजुनु ने रेजो नाम के एक नए बच्चे को समूह के बाकी सदस्यों से मिलवाया। उसे उसके माता पिता ने छोड़ दिया था और नेता ने उसे कबीले में ले लिया था। कुछ ओजुनु को बताता है कि राइजो उसके बाद कबीले का नेता होगा। उम्मीद की वजह से रेजो के लिए प्रशिक्षण कठिन है। जब वो 10 साल का होता है तब उसके पूरे शरीर पर गलती करने के लिए मिलने वाली सजा के निशान होते हैं। एक निंजा के पास जो महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए वो है छिपे रहने की उसकी क्षमता। राइजो को लकड़ी के फर्श पर चलने के लिए बनाया गया है लेकिन एक ध्वनि के कारण उसके पैर क्योकेत्सु शोगे से कट जाते हैं। दर्द के कारण रात में बच्चा मुश्किल से सो पाता है। फिर वो अपने जीवन में पहली बार दया को देखता है जब कोई लड़की उसके घावों पर मरहम लगाती है। उसका नाम किरिको है और वो प्रशिक्षण में एक साथी निंजा है। बच्चों को सिखाया जाता है कि वे किसी भी तरह की भावनाएं न रखें लेकिन किरिको अलग है। वो उस हिंसा और हत्याओं में विश्वास नहीं करती जिसका कबीला समर्थन करता है। समय जल्दी बीत जाता है और राइजो और किरिको दोनों एक साथ बड़े हो जाते हैं, मुश्किल से बात करते हैं लेकिन हमेशा एक दूसरे की तलाश करते हैं। राइजो अब तक का सबसे प्रतिभाशाली निंजा ओजुनु बन गया है जिसे उसने कभी प्रशिक्षित किया है। हालांकि अपने वरिष्ठ ताकेशी के साथ एक मैच में वो प्रतिद्वंद्वी की गलत रणनीति के कारण हार जाता है। मास्टर इसकी अनुमति देता है और इसके बजाय कमजोर होने के लिए राइजो को दोषी ठहराता है। वह राइजो पर एक अत्यंत दर्दनाक उंगली धक्का देने वाली तकनीक का उपयोग करता है जिसके कारण वह दर्द से लड़खड़ा जाता है। उनकी अंतिम परीक्षा बिना चिकित्सीय सहायता के रात में जीवित रहना है। अगली सुबह लौटने पर ओजुनु उसे नए दिन के प्रशिक्षण के लिए तैयार देखता है और परीक्षा पास करने के लिए छात्र पर गर्व करता है। जल्द ही रेजो कबीले का सबसे प्रतिभाशाली निंजा बन जाता है। प्रतिद्वंद्वी को आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों से बांधकर मारता है। किरिको को उस पर गर्व है लेकिन दूसरी ओर ओजुनु के जीवन के तरीके से मोहभंग हो जाता है। वो अक्सर कबीले के छोटे छोटे नियमों की अवहेलना करती है और उसे राइजो द्वारा चेतावनी दी जाती है। वो डरता है कि अगर नेता को पता चल गया तो वो उसका दिल छीन लेगा लेकिन किरिको का कहना है कि उसका दिल राइजो के साथ है इसलिए इसे कभी चुराया नहीं जा सकता। एक प्रशिक्षण सत्र में उसे एक प्रतिद्वंद्वी को चाकू से चोट पहुंचाने के लिए कहा जाता है। जब किरिको ऐसा करने में असमर्थ होती है तो ओजुनु ने उसका चेहरा काट दिया और उसे पिंजरे में डाल दिया। राइजो चुपके से उससे मिलने आती है और उसे पानी पिलाती है। कुछ दिनों बाद बरसात की रात में किरिको भागने के लिए एक दीवार पर चढ़ जाती है और राइजो को उसके साथ आने के लिए प्रोत्साहित करती है लेकिन वो रहने का विकल्प चुनता है। वो कबीले के प्रति वफादार रहना चाहता है क्योंकि वो बस इतना ही जानता है। आखिरकार किरिको को पकड़ लिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। सीनियर ताकेशी उसे सबके सामने दिल से लगाते हैं। राइजो का एक हिस्सा उस दिन मर जाता है लेकिन वो फिर भी कबीले के प्रति वफादार रहने का फैसला करता है। कुछ साल बाद बर्लिन यूरोपोल मुख्यालय में दृश्य कट जाता है। एक फोरेंसिक शोधकर्ता मीका को कबीले के अस्तित्व के सबूत मिले हैं। जानकारी का टुकड़ा कितना खतरनाक हो सकता है इस बात से अनजान वो इसे काम पर अपने वरिष्ठ मास्लो के पास लाती है। वो यह मानने से इनकार करता है कि एक गुप्त निंजा संगठन है जिसके बारे में केवल कुलीन वर्ग ही जानते हैं लेकिन मीका उसे वे रिपोर्ट दिखाते हैं जो विश्व के नेताओं से धन के प्रवाह और कई ज्ञात हस्तियों
व्यक्तियों की मृत्यु के बीच संबंध को साबित करती है। मास्लो अब दिलचस्पी रखता है इस मामले में और अधिक खुदाई करने का फैसला करता है। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि एक उच्च रैंकिंग वाले केजीबी एजेंट सबैटिन ने अतीत में इसी तरह की रिपोर्ट दी है, लेकिन जैसे जैसे उनके काम को पहचान मिलनी शुरू हुई उन्हें भ्रम में रहने के कारण उनके पद से हटा दिया गया और अंततः उनकी हत्या कर दी गई। फिर हम देखते हैं कि राइजो भी बर्लिन शहर में है, एक विशेष कार्य के लिए एक जर्जर अपार्टमेंट में रह रहा है। वो हर सुबह कीलों के एक ब्लॉक पर प्रशिक्षण लेता है जैसे उसे उसके गुरु ने सिखाया था। एक दिन वो स्थानीय कपड़े धोने की दुकान में जाता है और एक महिला से मिलता है। वो मिलनसार लगती है लेकिन वो तुरंत उसे एक निंजा के रूप में पहचान लेता है। वे दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं और कड़ी लड़ाई में शामिल होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वॉशिंग मशीन से खून टपक रहा है और लड़की का शरीर उसके अंदर घूम रहा है। इस बीच मीका अपनी जांच को एक कदम आगे बढ़ाता है और कुलों के बारे में बात करने के लिए मारे गए पूर्व एजेंट की पत्नी से मिलने जाता है। महिला ने खुलासा किया कि उसका पति एक मजबूत साहसी व्यक्ति था, लेकिन घोटाले के बाद सब कुछ बदल गया। वो इतना काय हो गया था कि हर दरवाजे और खिड़की में कम से कम दो ताले लगे थे और घर का हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था। उसने छाया के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, इसलिए निंजाओं के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी एक रात बत्तियां बुझ गईं और वह मारा गया। अगले दिन काम पर एक उच्च अधिकारी मूल्यांकन के लिए मीका के कार्यालय आता है। यह स्पष्ट है कि वो उस पर नजर रखने के लिए है क्योंकि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो उन चीजों के बारे में बहुत उत्सुक है जो उससे संबंधित नहीं है। उस शाम मीका सावधानी से घर लौटता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पूरे ब्लॉक में बिजली गुल हो गई है। फिर भी वो अपने अंधेरे अपार्टमेंट के अंदर जाती है, लेकिन फिर एक निंजा द्वारा हमला किया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से एक और निंजा उसकी जान बचाती है और हथियारों को मार देती है। वो कोई और नहीं बल्कि राइजो है। एक और फ्लैशबैक हमें वयस्क राइजो को उसकी पहली हत्या को पूरा करने के अपने मिशन पर दिखाता है। वो अपनी सारी हताशा को बाहर निकाल देता है और बेरहमी से लक्ष्य को मार देता है। मिशन के बाद वो बाकी कबीले से मिलने के लिए छत पर आता है। लॉर्ड ओजुनू कहते हैं कि उन्हें राइजो पर गर्व है और वो उन्हें अपने करीब बुलाते हैं। अपने आश्चर्य के लिए राइजो ने उस पर क्योकेत्सु शोगे से हमला किया जो उसे चेहरे और आंख पर काट देता है। उसका साथी निंजा उस पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के बाद उसे इमारत से धक्का दे देता है। राइजो बमुश्किल पानी में उतरकर गिरने से बचता है। फिर जब से वो ठीक हो गया वो ओजुनू की हत्या के सभी प्रयासों में हस्तक्षेप करते हुए कबीले के खिलाफ काम कर रहा है। इसी वजह से उसने मीका की जान बचाए। वे एक होटल में ड्राइव करते हैं और अपने कपड़े बदलते हैं क्योंकि निंजा उन्हें ट्रैक करने के लिए एक विशेष महक तकनीक का उपयोग करते हैं। उसके बाद वो मास्लो को कॉल करती है और बताती है कि वो राइजो के साथ है। राइजो के सामने आते ही उसे पकड़ने के लिए कहा गया है। वो जानता है कि राइजो उनका प्राथमिक प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन उन्हें अपने जीवन के लिए आदेशों का पालन करना होगा। इसलिए जब तीनों योजना के अगले चरण पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं तो राइजो को पुलिस ने घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। उसे एक ठिकाने पर ले जाया जाता है और एक एकांत जेल में जंजीर से बांध दिया जाता है। मीका को पता चलता है कि मास्लो ने उसे हताशा में गिरफ्तार किया था। फिर भी उसने राइजो को छोड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह जेल में सबसे सुरक्षित रहेगा। रात में मीका उसके पास जाता है और उसे पानी देता है। राइजो अवसर लेता है यह प्रकट करने के लिए कि हत्यारे यहां किसी भी क्षण होंगे। मीका मास्लो को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रोशनी बुझ जाती है और निंजा छाया से बाहर आ जाते हैं। सबसे उन्नत हथियार के साथ भी योद्धा योद्धाओं के खिलाफ कमजोर साबित होते हैं। राइजो के मारे जाने से ठीक पहले मीका उसके हाथों की जंजीर खोल देता है। वह निंजाओं से लड़ता है और मीका को भागने के लिए कहता है क्योंकि वो उन दोनों को नहीं बचा सकता। राइजो ओजुनू कबीले का अब तक का सबसे अच्छा छात्र है, फिर भी निंजा की भीड़ के खिलाफ जाना उसके लिए मुश्किल है। अंत में वो और ताकेशी सड़क पर समाप्त हो जाते हैं। ताकेशी हमेशा के लिए राइजो के जीवन को समाप्त करने के लिए अपनी तलवार उठाता है, लेकिन मीका सही समय पर आता है और उसे अपनी कार से मारता है। वो राइजो को एक होटल में लाती है। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल है उसने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। वो उसके पास बैठती है, अपने अचेतन से बात कर रही है। वो उसके काम न आने के लिए माफी मांगती है और उसे अपने जीवन के लिए धन्यवाद देती है। उसके बाद वो एक ट्रैकिंग डिवाइस खींचती है जो मास्लो को उनका स्थान बताता है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस आ सके हथियारे कहीं से भी सामने आते हैं और राइजो का अपहरण कर लेते हैं। जब पुलिस आती है तो वे केवल मीका को सोफे पर बैठे पाते हैं। वो उन्हें बताती है कि राइजो का 10 मिनट पहले अपहरण कर लिया गया था। कबीले के आधार में वापस राइजो को लॉर्ड ओजुनू को प्रस्तुत किया जाता है। वो आदमी उसे माफी मांगने का आखिरी मौका देता है, लेकिन राइजो मना कर देता है। ओजुनू विशेष रूप से उग्र है क्योंकि एक बार उसे विश्वास हो गया था कि राइजो उसकी जगह लेने जा रहा है और कबीले के मालिक के रूप में उसकी जगह लेगा। वह राइजो को उसी स्थिति में खड़ा करता है जिस स्थिति में किरिको को मार दिया गया था। इसके बाद राइजो को फिंगर जैबिंग तकनीक से 3 बार मारा जाता है, जबकि अधिकांश लोग तकनीक के एक ही झटके से मर जाते हैं। राइजो खून की उल्टी करता है। इसके साथ ही वो एक ट्रैकिंग डिवाइस को उल्टी भी करता है।
इससे पहले कि निंजा इसे देखे, मिकी पूरी पुलिस बल के साथ परिसर में प्रवेश करता है और कहर बरपाता है। कई निंजा विस्फोटकों से मारे जाते हैं, इसलिए अंधेरे में छिपने से काम नहीं चलता। एक आगामी लड़ाई में दोनों पक्षों के कई लोग मारे जाते हैं। ट्राइजो का सामना ताकेशी और उसके लोगों से होता है। भले ही लड़ाई निष्पक्ष नहीं है, वो सभी निंजाओं को मारता है और ताकेशी के हमले की प्रतीक्षा करता है। फिर दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं और अंत में ट्राइजो जीत जाता है। ताकेशी के अंग और अंत में गर्दन काट दी जाती है। अब ट्राइजो का सामना करने वाला एकमात्र व्यक्ति उसका पूर्व गुरु ओजुनू है। वो एक कमरे के अंदर बूढ़े आदमी को शांति से बैठा पाता है जबकि लोग बाहर मर जाते हैं। मास्टर पतली हवा में गायब होकर और ट्राइजो के पीछे की छाया से बाहर आकर अपनी विशेषज्ञता साबित करता है। केवल एक धक्का देकर वो ट्राइजो को उड़ते हुए दूसरे कमरे में भेजता है। फिर वे दोनों अपनी अपनी तलवारें निकालते हैं और भयंकर तलवारबाजी करते हैं। ओजुनू ने खुद को ट्राइजो का पिता होने का दावा करते हुए माफी मांगने का एक और मौका दिया, लेकिन ट्राइजो जवाब देता है कि वो किसी का बेटा नहीं है और ओजुनू को मारने वाला दूसरा उसके जीवन की पहली सांस होगी। कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे पर छलांग लगाते हैं, लेकिन ओजुनू फिर से गायब हो जाता है। अचानक मिका ट्राइजो की मदद करने की उम्मीद में कमरे में आती है। हालांकि ओजुनू परछाई से फिर से प्रकट होता है और तलवार से सीधे उसके सीने पर हमला करता है। लड़ाई ओजुनू के पक्ष में आती है जब तक कि ट्राइजो एक ही चाल नहीं खेलता और अपने शरीर को छाया से बार बार काटता है। अंत में उसके कंधे पर तलवार मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। ट्राइजो मिका को बाहर लाता है और पैरामेडिक्स उसकी सहायता के लिए आते हैं। यह पता चला है कि वो भी पैदा हुई थी उसकी छाती के दाहिनी ओर दिल के साथ, जिसका अर्थ है कि वो जीवित रहेगी। अंतिम दृश्य में ट्राइजो अकादमी की दीवार से कूद जाता है जैसा कि किरिको उसे चाहता था। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।